Well, a certain youngster who caught our eye during the recent HBL PSL was Saim Ayub. The youngster, he's alongside Saim. Thank you very much for joining me. Ek khas shot jo aapka bada famous ho gaya tha, which caught our eyes, was the no-look pickup shot. Uspe hum baat karenge, but pehle ye batayein ki HBL PSL se international cricket ka safar, what has changed? बिल्कुल देखें, क्रिकेट तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन एक जैसी है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं ओपोजिशन को और स्ट्रेंथ पे सबकी नज़र होती है, एक्सपोज भी होते हैं. लेकिन प्रेशर इसके हमने पाकिस्तान अपने मुल्क की जर्सी पहनी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो थोड़ा सा प्रेशर होता है, और ऑब्वियसली हर लेवल के प्लेयर पर वो प्रेशर होता है, मेरा ये मानना है. तो और अगर आपने कल परफॉर्म किया है तब भी, आज अगर आप मैच खेल रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी नर्वसनेस और प्रेशर होता है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है हर दिन. तो मैं नहीं मानता इतना फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑब्वियसली आर लिटिल बिट डिफिकल्ट तो है. बट साइम जिसने कहा कि प्रेशर होता है, बट जब ये अपना नो लुक पिकअप शॉट खेलते हैं तो लगता नहीं कि कोई प्रेशर है. लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द शॉट्स ही डिड प्ले ड्यूरिंग द HBL PSL. साइम, खुद अपने इस शॉट के बारे में बताएं, कहाँ से पिकअप किया, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? जस्ट जब मैं T20 की प्रैक्टिस कर रहा था अपने नेशनल T20 से पहले, तो मैंने ये सोचा था कि कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि माइंड में यही होता था कि कहाँ पे गैप्स होते हैं आपके अवेलेबल, क्योंकि मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि मैं गैप्स में खेलना प्रेफर करता हूँ. तो ऑब्वियसली फाइन लेग ज़्यादातर ऊपर रखते हैं बॉलर्स ना, तो मैंने यही सोचा था कि इसको खेलना किस तरह से, और इसको सिंपल भी रखना है, लेकिन ये इसका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा कैसे हो सकता है. तो मैंने बेसिक्स यही सोची थी कि इसकी जो पोजिशनिंग है ना वो, और हेड स्टिल होना चाहिए, तो उससे वो बेहतरी आई थोड़ी सी. तो जो आपने बात करी कि सिंपल, क्योंकि जो फंडामेंटल्स ऑफ बैटिंग है वो प्रॉब्ली सेम ही रहते हैं हर चीज़ के अंदर, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ जल्दी करते हो, यू गेट इनटू गुड पोजीशंस अर्ली एंड देन योर हेड रिमेन स्टिल. तो उसमें आप, तो अगर आप खुद भी एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बता दो कि आपके हिसाब से व्हाट आर द फंडामेंटल्स, क्योंकि इसमें आप बड़ा जल्दी पोजिशन में आते हो, और जो आप की जिसकी बेसिक फंडामेंटल की बात करें, योर हेड रिमेन्स वेरी स्टिल. सो इफ़ यू जस्ट गिव अस अ क्विक, आपके क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं? ये आप मेरे स्टेप्स वैसे एक्सपोज कर रही हैं टीवी पे. सबको पता चल जाएगा. लेकिन ऐसा है कि सबसे पहली कोशिश होती है मेरी कि डीप क्रीज में खड़ा हूँ, ठीक है, और उसके बाद अपनी बेस बनाऊँ डीप जाके, बिल्कुल डीप क्रीज में जितना मैं जा सकता हूँ. उसके बाद मैंने हेड को स्टिल रखना है, और डीप पोजिशन बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि बॉलर जहाँ बॉल ऑफ स्टंप पे बॉल करेगा तो उसको उस तरीके से लेके जाना. मिडिल में कर दी तो जाएगी पीछे, और लेग स्टंप पे कर दी तो वो वैसे ही पीछे चली जाएगी. तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही सोच लेता हूँ कि नहीं मैंने मारना ही मारना है, लेकिन मैं पोजीशन बना के इसको देखता हूँ कि बस मिल गई बॉल तो फिर मारना है इसको, नहीं तो नहीं, लेकिन हेड इसमें चल रहा था. अच्छा, जिस तरह T20 क्रिकेट इवॉल्व करी, जितनी कहते हैं ना मॉडर्न टेक के हिसाब से फंकी भी होती चली जा रही, ये नो लुक साइम अयूब शॉट भी एक उसी कैटेगरी में आता है, कुछ और इन्वेंट कर रहे हैं? नहीं, अभी सारी सीक्रेट्स नहीं बता रहे हमें. पहले तो मैं अभी फिलहाल ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपल क्रिकेटिंग शॉट्स पे मेरे स्कोर हो सके उतना हो, क्योंकि अभी देखें लास्ट कुछ मैचों में भी मैंने नो लुक शॉट ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे ही रन्स मिल रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है. लेकिन जहाँ अगर मुझे रन्स नहीं मिलेंगे या मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट आएगी विकेट पर खड़े होकर, तो वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा. और अभी इसके अलावा बहुत सारे शॉट्स हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट अभी नहीं बताऊँगा. साइम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. आई होप यू हैड अ फन चैट लिसनिंग टू व्हाट द यंगस्टर हैज टू से, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑल ऑफ यू टू लर्न फ्रॉम दिस गाय हु हैज अ लॉन्ग वे टू कम इन नेशनल क्रिकेट.